हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीदेव स्टोरी। और मैं हूँ श्रेया। जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बता रही हूँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। और वीडियो मुझे अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल आपको दिख रहा होगा। तो आज का जो है थंबनेल से पता चल गया होगा, 1 BHK अपार्टमेंट टूर मैं देने वाली हूँ। आप सोच रहे होगे अभी तो 2 BHK अपार्टमेंट टूर आपने दिया था, फिर अचानक से 1 BHK अपार्टमेंट टूर। तो जिन लोगों ने मेरा 2 BHK अपार्टमेंट टूर नहीं देखा है, जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है, तो उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और नीचे लिंक भी मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। और दूसरा, मैंने गृह प्रवेश का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो मैंने 2 BHK अपार्टमेंट है वो मेरा खुद का है, हमने लिया है, उसे परचेज किया है रिसेंटली ही। और दूसरा, जो मैं आज 1 BHK अपार्टमेंट टूर देने जा रही हूँ, मैं इसके पहले जहाँ रहती थी उसका है। तो ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये एक रेंटेड अपार्टमेंट था जहाँ हम लोग रहते थे। मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी तो वो मेरा पहला घर था, फॉर मी नॉट फॉर माई फैमिली, क्योंकि वो लोग काफ़ी साल से यहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए ये पहला नहीं था, बट मेरे लिए पहला था। और उसके बाद वहाँ पर मैं रहने के बाद फिर यहाँ पर शिफ्ट कर गई। एक्चुअली मैं शादी के बाद आई हूँ पहली बार मैं मुंबई विद माई हस्बैंड, तो वो मेरा पहला घर था जिसके साथ मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं। बहुत चीज़ें हैं आपकी, मेरी तो न्यू ही जर्नी थी। आफ्टर मैरिज आप एक नए शहर जाते हो, आपका एक खुद का नया घर होता है, आपकी एक नई गृहस्थी होती है, तो काफ़ी चीज़ें आपके साथ होते हैं। तो उस घर के साथ मेरी बहुत स्पेशल यादें जुड़ी हैं, बहुत कुछ स्पेशल रहा है। इनफैक्ट मेरा यूट्यूब का जो मैंने जर्नी है, यूट्यूब चैनल भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया है। वहीं पे ऐसा हुआ कि 4000 का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर इवन मेरे दोनों चैनल के तो मैंने कंप्लीट किए। तो वहाँ पे मेरी बड़ी स्पेशल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी करीब है, वो घर मेरे हमेशा दिल के बहुत करीब रहेगा, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। और वहीं पे भी वहाँ से सीधा हमने अपने ही घर में शिफ्ट किया, सो वो घर भी बहुत स्पेशल है। बट क्योंकि वो हमारा नहीं है, ज़्यादा दिन हम लोग रह भी नहीं सकते थे और हमें अपने लेना भी था, तो आज हमने सोचा, मैंने सोचा कि क्यों ना उस घर को भी दिखाया जाए जहाँ से ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी, जहाँ से श्रेयस स्टोरी उसका जो है वजूद था, जो शुरू हुआ और चैनल ग्रो किया, इतना आप लोगों ने उसे प्यार दिया। तो कहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट करती थी, कहाँ पे कौन सी रेमेडी दिखाती थी, कैसे शूट करती थी उन सब घर में, तो चलिए मैं वहीं आपको ले चलती हूँ, तो वो कैसा है वो आप खुद देख लेंगे। और इसी के साथ मैं अभी यहाँ पे अपने लाइव अपडेट, ब्लॉग, वीडियो सारा शूट कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। शेयर नहीं भी करना चाहते हो तो लाइक तो कर ही देना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ सामने वाले को हमने जो किया है वो पसंद आ रहा हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि वो हम घर आपको दिखाते हैं। और पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, वो घर जब मैंने शूट करा है तो जब हमने पूरा खाली कर दिया, हम यहाँ शिफ्ट हो चुके थे एक्चुअली, तो हम उसके 2 दिन बाद गए थे, क्योंकि हमें कीज़ जो थी उस घर की ओनर को हमको देनी थी, हैंडओवर करनी थी, और तब इस वजह से तो हम वहाँ पे गए थे। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि इसके पहले तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त, मेरा दिमाग बिल्कुल भी इसमें गया नहीं कि इसका हाउस टूर कर लें, क्योंकि पूरा मैसअप हो रखा था। हमको पैकिंग भी करनी है, हमको शिफ्टिंग भी करनी है, और हमको शॉपिंग भी करनी है नए सामान की, तो हमारा घर कम और वो कबाड़ घर ज़्यादा लग रहा था उस टाइम। तो मैंने एक बार के सोचा भी था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं दिखाऊंगी क्या, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है उसमें, क्योंकि हर एक जगह, मतलब आपको ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर सामान ना हो। हमने किसी तरह से बस अपने आने जाने का रास्ता पैर रखने के लिए बस उतना खाली जगह था, झाड़ू भी नहीं लग सकता था, इतनी बुरी तरह की स्थिति हो रखी थी। क्योंकि अगेन आपको पता है कि इस टाइम में आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, आपको पैकिंग भी करनी है, आपके लगेज भी हैं बहुत सारे, आपके कपड़े भी पैक करने हैं, आपको डेली का भी रूटीन चलना है, आप चीज़ें खरीदे भी जा रहे हो, लाए जा रहे हो, पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आप उस वक्त रखो कहाँ, तो आप बस
रखते ही जाते हो, तो वही वाली चीज़ें थी। हम बस शॉप कर रहे थे, ला रहे थे और भर रहे थे, ला रहे थे और भर रहे थे, और तो यही वाली सिचुएशन हो रखी थी। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अभी नहीं बनाते हैं, तो फिर मैंने यही सोचा कि जब हमने इसको एकदम खाली कर देंगे और शिफ्ट कर जाएंगे अपने घर में, तो फिर हमें आना ही है, हम तभी इस घर का टूर देंगे, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये वीडियो लेट हो गया, और लेट हो गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा अगर ये थर्ड वीडियो, आई डोंट नो, मैंने एक और वीडियो बनाया है कि मेरे जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, मेरे घर का जो हाल हो रखा था, उसकी वीडियो ये पहले जाने वाली है वो पहले जाने वाली है, रियली डोंट नो, क्योंकि उसकी वजह से भी कोई चीज़ें आपको, वो वाला वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही थी, मैं वीडियो बनाती भी कैसे। तो इस वजह से अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब हर एक काम हो गया है, उसमें मैंने डिटेल में रखा है, बता रखा है आपको कि क्या काम हो चुका है, क्या काम हम बाद में करवाने वाले हैं। तो अभी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो अब मैं धीरे धीरे अपनी रूटीन में आ रही हूँ डेली के। तो अभी मैं व्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे भी अब सोचा कि हो सकता है, उसमें से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था और शुरू में कि आप व्लॉग बनाइए, आप अपनी लाइफ अपडेट दिखाइए, अब हमने डेली रूटीन, इवनिंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन दिखाई है। तो उस घर में ये नहीं हो पाता था क्योंकि उस घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा घर जो है इतना स्पेशियस नहीं था, और दूसरा वहाँ लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो आप भी देखोगे मेरे कुछ वीडियोस में लाइट काफ़ी डल हो जाती है, कुछ वीडियोस ठीक रहती है, जब एक टाइम होता है कि मेरे विंडो से बहुत अच्छी लाइटिंग आती है तभी मैं वीडियो ज़्यादा शूट करती थी कि लाइटिंग अच्छी मिले, और कभी कभी अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता था तो आई एम वेरी अपसेट मैं, मगर फिर भी वीडियो बनाती थी, क्वालिटी ज़रूर ऊपर नीचे आपको दिखेगी, बट क्या कर सकते हैं लाइटिंग का, क्योंकि मैंने अभी कुछ भी ऐसा फैंसी प्रोडक्ट नहीं लिया है फॉर माई यूट्यूब की, मैंने बहुत बड़ा सेटअप वगैरह कुछ नहीं किया है, रिंग लाइट एनीथिंग नॉट एनीथिंग, मैंने कुछ अभी नहीं ख़रीदा है, क्योंकि मेरा सारा जो ध्यान था, हमको पहले से ही पता था कि हमको दो कुछ सालों के अंदर, जिसकी हमारी डेडलाइन थी कि हमको अपना घर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद कोई चीज़ होगी, तो हमने ज़्यादा इसमें उसमें ना लगा के सीधे अपने मेन फोकस जो हमारी पहली प्रायोरिटी थी ओन हाउस, तो उसमें लगाया था। तो अब जब चीज़ें हो गई हैं तो अब मैं अपने YouTube के लिए भी कुछ ज़रूर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। तो अब यहाँ लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे अभी सनलाइट भी नहीं है पूरी तरह से क्योंकि बारिश का मौसम है, बादल है, बट इससे लाइटिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि हमारे यहाँ हर एक रूम में वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, विंडोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, और हमारे यहाँ दो बालकनीज हैं। वीडियो आप देखिएगा 2 BHK टूर मेरा जो है, हमारा हाउस टूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ लाइटिंग, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन मैं रिंग लाइट लूँ या ना लूँ, दिन में अगर मुझे वीडियो शूट करने हो तो इस वजह से अब मैंने सोचा है कि मैं ये व्लॉग स्टार्ट करूँगी। मैं इसी वीडियो में बता दे रही हूँ, उसके लिए मैंने कोई अलग वीडियो नहीं बताया है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना पुराना घर जहाँ मैं रहा करती थी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहा करती थी, और ये वाली बिल्डिंग, ये इसके काफ़ी विंग है, 3 विंग है, तो ये मैं ए विंग में रहती थी, ये सामने की तरफ की जो है साइड में, और थर्ड फ्लोर पे। तो अभी चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये रहा, देखिए ये ए विंग है, अब यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, यहाँ लिफ्ट नहीं थी और ये थर्ड फ्लोर तक ही था, तो 302 हमारा जो है रूम नंबर। अब चलिए अब इसके अंदर हम जाते हैं। तो ये रहा वो अपार्टमेंट 1 BHK। तो ये है लिविंग रूम, और सारा कुछ खाली हो गया, 2-3 सामान हैं जो हम अपने साथ ही ले जाने वाले थे आज। और ये है लिविंग रूम, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो ये है टॉयलेट, वॉशरूम, और ये था बेडरूम जो हम आपको अभी दिखाते हैं, और ये था बेडरूम, और वहाँ पे मैं अपनी, अगर आप देखो ये विंडो, इसी विंडो के सहारे मैं लाइटिंग में शूट करती थी, और यहाँ पे बैठ के एक स्टिकर अगर आपको याद होगा तो यहीं पे बैठ के मैं शूट किया करती थी यहाँ पे। तो यही वो विंडोज़ हैं जिनकी लाइटिंग के कभी अप डाउन होते रहते थे। अभी हम चल रहे हैं सीधे यहाँ पे, ये है बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम दोनों ही अलग थे,
और ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। और ये था किचन, और किचन ठीक था, स्पेशियस था। ये आपको बिल्डिंग की हालत देख के लग रही होगी अपार्टमेंट की, बड़ा ही ज़्यादा अजीब है इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और अभी इसका 1.5 से 2 साल पहले ही कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ये पूरी सीलन उस कंस्ट्रक्शन वर्क के बाद ही शुरू हुई और उसके बाद ही कोविड हो गया। और ओनर ने इसको इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कराया बिकॉज ऑफ द रेंटेड अपार्टमेंट। बाकी सब ने इस बिल्डिंग में अपने बिल्डिंग का अच्छा सा काम करवाया है, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। और क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, इसका कंस्ट्रक्शन तो हुआ बट ओनर ने नहीं करवाया इस रूम का कंस्ट्रक्शन, वो अब करवाने वाले हैं, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो ये वीडियो, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के। और अगर आपको मेरा ब्लॉग भी पसंद आ रहा हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आई नो इतना ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मैं नहीं कर रही हूँ, पर आगे आने वाले दिनों में मैं अपने माइंड में मेकअप करना शुरू कर दिया है कि हाँ मुझे करना चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हो, उसमें बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था शुरू शुरू से ही, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये एक परफेक्ट टाइम है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।